हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे इंडक्शन रिपेयरिंग। इंडक्शन की स्विच जो ऑन ऑफ वाली होती है वो काम नहीं कर रही है, उसको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इंडक्शन आया है रिपेयरिंग के लिए। कस्टमर का कहना है कि ये ऑन ऑफ की स्विच काम नहीं कर रही है, तो हम इसको लगा के देखेंगे। सब शो कर रहा है दोस्तों, ये ऑन ऑफ की स्विच काम नहीं कर रही है। चलिए दोस्तों, इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इसको सही करते हैं दोस्तों। तो इसका खोलते हैं दोस्तों, और उसका तो ये पीछे से ढक्कन, तो इसका ढक्कन इसे निकाल देंगे दोस्तों। यहाँ से बोर्ड में से क्लिप इसको निकाल लेंगे दोस्तों। इसका पैनल खोलते हैं, ये तो ये खुल गया दोस्तों, ये बोर्ड हो गया। तो दोस्तों, ये स्विच खराब हो गई दोस्तों। सब ओके, ये वाली स्विच ऑन ऑफ वाली ख़राब हो गई है। इसको हम रिप्लेसमेंट करेंगे दोस्तों, इसको निकालेंगे और इसको चेंज करेंगे दोस्तों। कोई ख़राब हो गई है, ये वाली नहीं लगाएंगे दोस्तों। हमने चेंज कर दिए, या सर्किट का जो वायर होता है टूट गया था, तो इसे हम टाका लगा दिए हैं। तो दोस्तों, इसका पैनल हम लगाते हैं। तो दोस्तों, अब इसको हम लगा के तो इसका सॉकेट इसमें फंसा देंगे। तो दोस्तों, ये ओके हो गया है। अब इसको सीरीज पर चेक करते हैं, ये बिल्कुल ओके हो गया है। ये बटन अब काम कर रही है। अब इसको चेक करेंगे, पानी रख के इसको मेन लाइन में देंगे। इसको हमने मेन सप्लाई में दे दिया है। अभी दोस्तों देखिएगा, ये पानी गर्म होने, पानी अभी गर्म होगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। देख रहे दोस्तों, पानी गर्म होने लगा, ये पानी बिल्कुल गर्म होने लगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।